हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ पे राउंडिंग ऑफ को यूज करते हैं और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आप एक शॉप में गए, आपने वहां से कुछ सामान परचेज किया और आपका जो बिल अमाउंट था वो हुआ 204 रुपीज का, बट आपके पास 4 रुपीज चेंज नहीं थे। शॉपकीपर ने आपको बोला कि आप 204 की जगह उसको 200 रुपीज पे कर दीजिए। इट मींस कि शॉपकीपर ने 4 रुपए को इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया और आपसे सिर्फ 200 रुपीज लिया। तो शॉपकीपर ने क्या किया कि 204 को राउंड ऑफ करके 200 रुपीज कर दिया। ये है इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको अपने फ्रेंड को 495 रुपीज देने हैं, बट वो आपका फ्रेंड है तो आपने उसको 500 रुपीज दे दिया। आपने इस जगह पे 5 रुपीज को इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो आपने यहाँ पे 495 रुपीज का राउंड ऑफ करके 500 रुपीज कर दिया। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना और ये होता है कॉन्सेप्ट राउंडिंग ऑफ का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड डिजिट ऑफ नंबर। ये ऐसा टॉपिक है जो अभी से स्टार्ट होके, ग्रेड 5 और ग्रेड 6 से स्टार्ट होके ये बहुत हायर क्लास तक भी आता है और ये टॉपिक हमेशा ही आता है। और जहां पर भी पैसे के लेन देन की बात होती है वहां पर तो हमेशा ही ये टॉपिक यूज होता रहता है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है। और इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा और जहां पर भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह एक जरूरी बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई चैनल। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ का रूल्स क्या है और उससे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने से पहले उसके पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि हाउ टू राउंड ऑफ दीज नंबर्स। देखो आपके जो सिलेबस में, क्लास सिक्स के सिलेबस में जो है वो है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड एंड राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड। ठीक है, अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, सपोज 1, 3, 5, 7, ये नंबर आपको दिया है तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करो, आइदर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप लोग उसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे ये नंबर 1 जो है वो 1000 प्लेस पे है, 3 जो है वो 100 प्लेस पे है, 5 जो है वो 10 प्लेस पे है, 7 जो है वो 1 प्लेस पे है। ठीक है, तो पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको किस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है और उस डिजिट के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। देन सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि जिस भी प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है उसके राइट हैंड साइड की हम लोग डिजिट देखते हैं हमेशा। जैसे कि यहाँ पे 3 हमें 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो 103 के राइट हैंड साइड की डिजिट क्या है, वो 5 है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो डिजिट गिवन है उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू, थर्ड स्टेप में क्या कह रहे हैं, अगर वो वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 हुई, इट मीन्स कि अगर वो डिजिट जो है वो लेस देन 5 हुआ, उस केस में क्या करते हैं कि नंबर जो जिस प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है उसको एज इट इज लिखते हैं और रेस्ट ऑफ द नंबर्स को हम लोग 0-0 कर देते हैं। और स्टेप 4 में क्या कह रहे हैं, स्टेप 4 जो है वो ये कह रहा है आपका कि अगर वो नंबर, जैसे कि आपका नंबर यहाँ पे दिया है 1, 3, 5, 7 और हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 प्लेस पे। ठीक है, तो इसके राइट हैंड साइड की डिजिट अगर 5, 6, 7, 8 और 9 होती है, उस केस में क्या करते हैं, जो अंडरलाइन डिजिट है हमारी जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उसमें हम लोग हमेशा 1 ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 कितना हुआ, 3 + 1 हुआ 4। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द डिजिट को हम लोग 0-0 कर देते हैं। तो मतलब राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 1, 3, 5, 7 को अगर हम 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 1400। समझ में आई ये टॉपिक। अगर कहीं पर भी डाउट होता है आप हमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पहले देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हाउ टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इसको हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन से समझते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो एक नंबर लाइन पे अगर ये समझ लो कि आपकी पोजीशन जो है इस समय आप 163 पे खड़े हैं, तो 160 पे जाने के लिए आपको 3 स्टेप बैकवर्ड जाना पड़ेगा। और 170 पे जाने के लिए आपको 7 स्टेप फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो किसमें कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा हमें 160 पे जाने के लिए। ठीक है, अब देखो अगर आपकी पोजीशन 25 पे है तो 20 पे जाने के लिए भी हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा बैकवर्ड, या 30 पे जाने के लिए भी हमें
फाइव स्टेप फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा राउंड ऑफ क्या होगा, उस केस में कैसे डिसाइड करते हैं? देखो यहाँ 25 था, ठीक है, हमें राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करना है। क्या बताया था कि अगर जो नंबर है उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है, उस केस में क्या करते हैं, जो भी अंडरलाइन डिजिट है उसमें 1 को ऐड कर दो, 30 हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। मतलब 25 का जो राउंड ऑफ हुआ वो हो गया 30। ठीक है, समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो यहाँ पे गिवन है। हमें है कि 263 को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे। तो यहाँ पे 2 इज द 100, 2 इज ऑन 100 प्लेस, 6 इज ऑन 10 प्लेस एंड 3 इज ऑन 1 प्लेस। ठीक है, तो 6 के नीचे इन्होंने पहले अंडरलाइन कर दिया है और 6 की राइट हैंड साइड की डिजिट क्या है, वो है 3। ठीक है, तो जो 3 है वो विच इज लेस देन 5, तो क्या होगा? तो हम लोग 6 में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, और जो क्योंकि 3 की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, तो 3 जो है वो 0 से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो 263 का जो राउंड ऑफ हुआ टू द नियरेस्ट 10 कितना हो गया, 260 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो है 154। हमें 154 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। पहले सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, 100, टेंस और वंस। जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है पहले वो डिसाइड कर लो और उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, मतलब हमें 1 पे राउंड ऑफ करना है इसको टू द नियरेस्ट 100। अब इसके राइट हैंड साइड की जो डिजिट है वो क्या है, वो 5 है। और मैंने बताया था 5, 6, 7, 8, 9, ऐसी भी कोई डिजिट, अगर ऐसी इनमें से कोई एक डिजिट होती है उस केस में क्या करते हैं, जहां पे राउंड ऑफ करना है उसमें 1 को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया और रेस्ट ऑफ द डिजिट आपकी 0 हो गई। इट मीन्स 154 को राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं हम लोग, 200 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट देखेंगे, इसमें है कि 7483, इसको राउंड ऑफ करके हमें करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो देखो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ये है 1000, 100, टेंस एंड वंस। जहां पे हमें राउंड ऑफ करना है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और फिर उसकी राइट हैंड साइड की डिजिट देखो, इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, विच इज लेस देन 5। उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि 7 तो एज इट इज रहेगा और रेस्ट ऑफ द डिजिट आपकी 0 हो जाती है। तो 7483 को राउंड ऑफ करके क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 7000। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। समराइज मतलब देखो, अगर जो भी डिजिट जिस प्लेस पर भी हमें राउंड ऑफ करना है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, जिस प्लेस पर भी हमें राउंड ऑफ करना है उसके नीचे अंडरलाइन करो उसकी राइट हैंड साइड, ये जो है ये उसकी राइट हैंड साइड के लिए है, राइट हैंड साइड की डिजिट 0, 1, 2, 3, 4। अगर ऐसा होता है तो ये सेम रहता है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है वो सेम रहता है, और 5, 6, 7, 8 और 9 होने पर क्या करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू में 1 को ऐड करते हैं और रेस्ट ऑफ द डिजिट को हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। अच्छा, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ के रखे हुए हैं ताकि वो क्वेश्चंस आप लोग करें और मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। पहला क्वेश्चन है 47। 47 को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करना है, 7। ठीक है, तो 7 जो है विच इज ग्रेटर देन 5, तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करो, 5 हुआ और रेस्ट ऑफ द डिजिट आपके 0 हो गया। मीन्स 47 का राउंड ऑफ 50, 64, 64 के लिए 4 जो है विच इज लेस देन 5, तो कोई चेंजेस नहीं होगा टेंथ प्लेस पे, वो 6 ही रहेगा और रेस्ट ऑफ द डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। 128 को टेंथ प्लेस पे करना है, ठीक है, तो टेंथ प्लेस पे 2 है और 1 प्लेस पे जो है वो 8 है, मतलब उसके राइट की डिजिट जो है वो 8 है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में 2 में 1 को ऐड कर दो और रेस्ट ऑफ द डिजिट को 0 कर दो, 130 हो गया। 93 है, 3 जो है हमारा विच इज लेस देन 5, उस केस में 9 में कोई चेंजेस नहीं आएगा और रेस्ट ऑफ द डिजिट 0 हो जाएगा। 315 के लिए क्या करेंगे,
और हमें नियरेस्ट 10 प्लेस पे करना है, ठीक है। तो जो हम 10 प्लेस के राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो 5 है, उस केस में क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 प्लेस में 1 को ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2 हो गया और रेस्ट ऑफ द डिजिट 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आंसर्स क्या होंगे। अब देखते हैं नियरेस्ट 100, कुछ क्वेश्चन नियरेस्ट 100 के करते हैं। पहला क्वेश्चन है 732, नियरेस्ट 100 मतलब हमें 7 को राउंड ऑफ करना है, इसका राइट हैंड साइड का डिजिट जो है वो 3 है, 3 विच इज लेस देन 5, तो क्या होगा 7 एज इट इज रहेगा, रेस्ट ऑफ द डिजिट आपकी 0 0 हो जाएगी। 569, ठीक है, तो इस जो 10 स्पेस पे नंबर है विच इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा 5 में एक ऐड कर दो 6 और रेस्ट ऑफ द प्लेस 0 0। 306, 100 प्लेस पे 3 है, 10 स्पेस पे 0 है विच इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग, ये हो जाएगा 300। 817, हम लोग इसके लिए 10 स्पेस देखते हैं, 10 स्पेस की जो वैल्यू है वो है 1 विच इज लेस देन 5, तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके आप लोग करिएगा। नाउ वी विल सी राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है। 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए हमें जो डिजिट देखनी होती है वो देखनी होती है 100 प्लेस पे। पहले क्वेश्चन में 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो है 3 विच इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे 1 1 एज इट इज रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1000। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5000 हो जाएगा। 1608, इस क्वेश्चन में जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो इस केस में क्या होगा, इसका राउंड ऑफ 2000 हो जाएगा। 827, देखिए यहाँ पे जो डिजिट दिया है वो है 8, नंबर दिया हुआ है वो है 827, ठीक है। 827 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 100 प्लेस पे हमारा 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के इसके आंसर्स बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।